गुना जिले में नशा मुक्ति को लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के नाक के नीचे से नशे का कारोबार फल फूल रहा है। जिले के युवा नशे से घिरे हुए इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवा बस स्टैंड के पास मैक का नशा कर रहे हैं। पुलिस ने सभी युवाओं को अपनी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ जारी रखी है, जहाँ पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि शहर में हर जगह स्मैक का कारोबार चल रहा है, जिसमें जो है करनालगंज में बड़ी तादाद में स्मैक बेची जा रही है। पूछताछ के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब देखना खास ये होगा कि कब तक पुलिस नशे के कारोबारियों पर अंकुश लगा पाती है। बिल्कुल, हम पूर्व भी लगातार कार्रवाई करते रहे हैं। स्मैक के खिलाफ हम लोगों ने एक नशा विरोधी अभियान चलाया था, जिसमें ऐसे लोग जो नशा छोड़ना चाहते हैं उनके भी हमने उनको डॉक्टर को चेक करा करके दवाएं उपलब्ध कराई थी। आपने संज्ञान में लाया है, हम उसको दिखवाएंगे। निश्चित तौर से जो भी कर रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई जो होती है करेंगे। इसमें कोई मतलब उन्होंने नाम सही बताए सर, एक दीपक जैन है। प्रत्येक जो आपने बताया, जो संज्ञान में लाया है आपने, उसको प्रत्येक को हम इसको ऑब्जर्व करेंगे और उसमें जो भी कार्रवाई बनती है कार्रवाई करेंगे।